देखो ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, सिर्फ अपडेट देने आया हूँ। यहाँ पे हम लोग लाइव स्ट्रीम बंद कर रहे हैं, यहाँ पे मैं लाइव नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं वीडियो करूँगा, डेली वीडियो नहीं करूँगा, टाइम टू टाइम करूँगा, जब भी मेरे पास नया क्रेजी आइडिया होगा। क्योंकि फिर वो लगता है फोर्स कर रहा हूँ मैं उस चीज़ को, मतलब मेरे को इंटरेस्टिंग लगता है बट लोग इन्जॉय नहीं कर रहे, तो फ़ायदा नहीं, बस बोलने के लिए कर रहा हूँ मैं। बट करूँगा मैं यहाँ पे वीडियो करूँगा, यहाँ पे बस रेगुलर वीडियोस करूँगा। सो जिनका भी मेंबरशिप है तुम कैंसिल कर सकते हो या रिफंड ले सकते हो, उस चीज़ का मुझे नहीं मालूम होता है या नहीं होता है, बट अगर मेरी साइड से कुछ चाहिए तो मुझे बता दो, मैं करवा दूँगा। बाकी लाइव स्ट्रीम जो हम कर रहे हैं चेक करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। ये थर्ड चैनल है मेरा जो मैंने शॉर्ट्स के लिए किया था, बट मैं शॉर्ट्स वहाँ पर डालता भी नहीं, तो वहाँ पर हम डेली लाइव शुरू कर रहे हैं 10 से 11 एक घंटे की स्ट्रीम, और यहाँ पर हम लोग गेम खेलेंगे। तो अगर तुम गेमर्स हो, कोई गेम है सजेस्ट कर दो। बट ये चीज़ कल से हम शुरू कर रहे हैं, और इस महीने क्योंकि 10 तारीख हो ही चुकी है तो 11 से शुरू करेंगे, कल से मतलब आज से, आज शाम से, ठीक है? चलो बाय, पीस, बस इतना ही बता रहा था और कुछ नहीं। और फिर आते हमारे एलन मस्क भैया, क्या हरामी आदमी है। अबे अपने काम से काम रखना, कल तक बोला था मर जाऊँगा तो तुम्हें मुझसे मिलकर अच्छा लगा, अब कह रहा है कि अगर जापान की बर्थ रेट कम हुई ना पृथ्वी पे इंसान नहीं बचेंगे। मैं कहा आओ कभी हमारे देश, बहुत लोग मिलेंगे भाई साहब। अरे जस्ट बिकॉज तुमने 8-8 बच्चे कर रखे हैं तो उसको ऐसे कौन जस्टिफाई करता है यार। जस्टिफाई तो हमारे देश की भी पॉपुलेशन नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसकी आर्ग्यूमेंट में वैलिड पॉइंट नहीं है, नहीं बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, क्योंकि बर्थ रेट फ्यूचर में कम होती जाएगी क्योंकि ऑलरेडी वो स्टार्ट हो चुका है और एवोल्यूशन का यही प्रोसेस है, तो उसका एक वैलिड पॉइंट है। बट 8 बच्चों के बाप होने के बाद ये कौन जस्टिफाई करता है, शादीशुदा औरत के साथ अफेयर था तेरा हरामी, कितनी खतरा के साथ। मैं जेन्युइनली कंफ्यूज हूँ कि इतने सारे काम करता है, इतनी सारी इनोवेशन है, इसको लड़की बाजी और बच्चे पैदा करने का टाइम कैसे मिलता है, सवाल है मेरा, बताओ भाई, जानना है यार। हमारे पास तो नहीं इतना टाइम, साले 2 चैनल पे वीडियो डालनी होती है वो नहीं कर पाता, डेली लाइव करनी होती है वो नहीं कर पाता, ये कर रहा है। साले देश की पॉपुलेशन के इशू तू ही सॉल्व करेगा, जैसे एक तेरी कंट्री में लोग कम हुए क्या, आऊं वो गाना था ना, बोलना आंटी आऊं क्या घंटी में बजाऊं क्या, इसी पे लिखा हुआ है। कुछ भी कुछ भी। सलमान खान के बारे में बात करेंगे अभी। तुम्हें मालूम है सलमान खान पे इतने सारे केस हुए, तो अभी उसका एक लुक अलाइक था यूपी में, साला टिकटॉकर निकला, सलमान खान के पास फिर भी बॉडी है, ये ऐसा दिखता है। हरामी रोड पे ट्रैफिक जाम करके सलमान खान के गाने पे नाच रहा था, नाच भी कर रहा था, ना वो नाच सकता है ना ये नाच सकता है, पुलिस ने उठा लिया आवड़ा। सलमान खान बनेगा, चल एक केस तो करा, ट्रैफिक जाम कर रहा हर जगह पे, मतलब इसकी बहुत सारी रील देखी मैंने, 3 देखी अकेली, तीनों में पता नहीं इसे रोड से क्या ऑब्सेशन है, साला सलमान हो या उसका लुक अलाइक, सबको रोड से ऑब्सेशन है इनके, क्यों? अरेस्ट होने के बाद पोज ऐसे दे रहा है, मैं इतना बड़ा फैन तो सनी देओल का भी नहीं हूँ यार, सातों का साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा, भाई साहब मैं तो एक को भी नहीं मारता, कैसे बंदे ऐसे पागल। बट यूपी में कुछ भी होता है, मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने हमेशा बोला यूपी में कुछ भी होता है। अभी यूपी में वो आ गया चीता वीता था, अरे लेपर्ड्स को क्या कहते हैं हिंदी में मेरे को याद नहीं आ रहा, बट अरे कुछ नहीं, शहर के अंदर वो लेपर्ड आ गया था, तो पुलिस वालों ने कहा हम यूपी पुलिस, ठीक है हम गुंडों से नहीं डरते, ये तो फिर भी जानवर है, भाई सब हाथों से पकड़ रहे हैं इन हाथों से, मतलब बुला ले एनिमल कंट्रोल वालों को, नहीं 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 क्योंकि वो बेहोश करके पकड़ के आराम से इज्जत पूर्वक ले जाए, नहीं 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 आ बेटा हम खाली तू पिटेगा। अबे रिस्की था यार, किसी की जान जा सकती थी, और यूपी पुलिस बड़े प्राउडली बता रही है देखो निडर यूपी पुलिस, मैं बेवकूफ़ी नहीं कहते इसे, कोई प्रोटेक्शन नहीं, हरामी लोग फिर गंदा सोच रहे हो, लाइक करो। अबे अपनी जान को क्यों रिस्क कर रहे हो जहाँ पे जो चीज़ बहुत सिंपली सॉल्व हो सकती है, नहीं ब्रे पुलिस, साले रोहित शेट्टी ने ना सबका दिमाग खराब कर दिया, मैं बता रहा हूँ ये पुलिस पुलिस करके। बट यूपी पुलिस को भी क्या बोलूँ, पूरे देश में यही चल रहा है भाई। अभी वो याद है तुम्हें वो अभी अक्षय कुमार वाला सीन हो गया था, बोलो सुबह केसरी, अभी किसी हरामी ने सुनील शेट्टी को टैग करके बोल दिया बोलो सुबह केसरी, उसके बाद सुनील शेट्टी को बोलना पड़ा, बे ओ हरामी चेक तो कर ले किसको टैग कर रहा है, अजय देवगन को बोला, मुझे क्या बोल रहा है, बोलो सुबह केसरी। मैं सुनील शेट्टी कभी ऐसी उल्टी सीधी ऐड नहीं कर रहा, मतलब 90s में करी हुई है उसने, बट अब तो नहीं कर रहा ना, अबे इतना शरीफ आदमी क्यों, अन्ना वो गुस्सा दिला रहे हो, अन्ना गन्ना दे देगा, बता रहा हूँ मैं। और यूपी छोड़ो बे, मध्य प्रदेश चलते हैं, वहाँ पे एक बंदी की शादी थी,
बंदे ने शेरवानी पहन ली तो उसकी पिटाई कर दी लड़की वालों ने, ये शेरवानी क्यों पहनी है, हमारे यहाँ धोती पहनते हैं। तो लड़के ने बोला अबे अभी यही फैशन है। मैं कहा ये भी सही चल रहा है, नो डाउट मेरे को शादी करने की इच्छा नहीं। पता चला अब क्या दूल्हे का कोई भरोसा नहीं, कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ तुम्हारी शादी में। कभी उसका एक्स आके गोली मार देता है, कभी शेरवानी के चक्कर में पिटाई हो जाती है। ये न्यूज़ पढ़ता हूँ ना फिर दिल से आता है अगले जन्म मुझे बेटिया की जाओ। फिर मैं देखता हूँ लड़कियों की हालत, मैं छोड़ यही ठीक है, यही ठीक है। बाकी इसी नोट पे खत्म कर रहे हैं, आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया, और अगर एंजॉय किया तो स्मैक दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, फॉलो मी इंस्टाग्राम, और मैं बोलता हूँ कब पता ही है।